एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को हेयर टिप्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि ये जो हेयर टिप्स की जो वीडियो है ये पूरा 1 वीक चले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने जो है 3 टिप्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और आज भी मैं 3 टिप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। हर एक वीडियो में मैं 3-3, 2-2 टिप्स जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिससे वीडियो लेंथी ना हो और आप आराम से देख ले और आप इसका फ़ायदा उठाएं और इस लॉकडाउन का भी फ़ायदा उठाएं। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि हार्ड वाटर के बारे में, दूसरा शैम्पू के बारे में, तीसरा जो है बालों को धोते टाइम रब नहीं करना चाहिए। अभी ये जो 3 टिप्स हैं इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपके बालों का झड़ने का जो बिगेस्ट रीज़न है वो हार्ड वाटर भी हो सकता है। हार्ड वाटर मीन्स कि बोरवेल का पानी, जो कि बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर करता है, जिसके कारण बाल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने हेयर वॉश करने के लिए जो है कोशिश करें कि सॉफ्ट वाटर का यूज़ करें, ना कि बोरवेल का पानी, जो बहुत ही हार्मफुल है आपके बालों के लिए, जिससे ड्राइनेस और हेयरफॉल होना 100% चांसेस होते ही है। तो प्लीज़ अवॉइड करें हार्ड वाटर। सेकंड जो है, आप जब भी हेयर वॉश करती हैं तो बालों को इस तरह से रब ना करें, क्योंकि हम कपड़े नहीं धो रहे, हम अपने बाल धो रहे, और बाल बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं। तो उन्हें धोते टाइम जो है इस तरह से धोए, बड़े प्यार से सॉफ्ट हैंड से धोए, ना कि ऐसे से रब करे। गीले बालों को रब करने से बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका हेयर फॉल होने का। तो आप धोते टाइम जो है अपने बालों को बिल्कुल भी रब ना करें, और उन्हें बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट हैंड से इस तरह से धोए। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो शैम्पू है। शैम्पू जो है हमेशा स्कैल्प में यूज़ करना चाहिए, ना कि लेंथ में यूज़ करना चाहिए। शैम्पू इज अ स्कैल्प प्रोडक्ट, ऑलवेज यूज शैम्पू ऑन द स्कैल्प, नॉट ऑन योर हेयर। अब आप सोचो कि अगर स्कैल्प में शैम्पू करेंगे तो बाल तो गंदे ही रहेंगे, बालों को कैसे वॉश करें। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसे एक बाउल में लेके पानी डाल के उसे झाग बना के स्कैल्प में लगाए, पहले बहुत सॉफ्ट हैंड से मसाज करते हुए उसे वॉश करें। जो झाग बनता है उसे आप इस तरह से बालों में लगाए, और आप अपने हेयर इस तरह से शैम्पू कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट शैम्पू बिल्कुल भी अपने बालों में लगाए, जिससे बाल 100% ड्राई होते ही होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शैम्पू इज अ स्कैल्प प्रोडक्ट, नॉट फॉर योर हेयर। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है हेयर वॉश के टाइम पे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखती हैं वॉश के टाइम पे, अभी भी कोई भी हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बाल बहुत ही शाइनी, घने, लंबे, चमकते हुए बाल होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।